हूँ, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो स्क्रू रूल के बारे में एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। एक बच्चे ने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या किया था, कमेंट किया था नीचे कि मुझे ये इनवर्ड आउटवर्ड वाला जो स्क्रू रूल में जो आप बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे क्या था कि स्क्रू रूल उसको समझ में तो आ गया है, बट उसमें जो इनवर्ड आउटवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो नहीं समझ में आ रहा था। इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि उसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई साहब ये इनवर्ड क्या है, ये आउटवर्ड क्या है। तो इस इनवर्ड और आउटवर्ड को समझाने के लिए मैं आपको स्क्रू रूल पहले अच्छे से समझाऊंगा और फिर बाद में इनवर्ड आउटवर्ड बताऊंगा, नहीं तो सही से थोड़ा वो शायद समझ में ना आए आप लोग को। ठीक है, तो क्या है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्क्रू रूल क्या है। और देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है इस चैनल पे, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, जो स्क्रू रूल होता है, और इसी स्क्रू रूल को समझाने के लिए मैं आपके लिए क्या किया हूँ, एक स्क्रू लेके आया हूँ, और उस स्क्रू से भी समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रू रूल है क्या। बेसिकली क्या है कि जो स्क्रू रूल है, देखो यहाँ पे लिख लो स्पेलिंग, स्क्रू रूल। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो स्क्रू रूल है वो, देखो स्क्रू रूल से हमें क्या मिलता है, फोर्स अधिकतर फाइंड करते हैं हम लोगों ने पढ़ के क्या रखा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जब आप स्क्रू रूल वाला जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वेक्टर वाला जो है कॉन्सेप्ट ना, यही जब डायरेक्शन वाली बात आ जाती है ना भाई साहब, तब यहाँ वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तब हम लोग स्क्रू रूल वाला कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रूल होता है हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, कहीं पाम रूल लग जाता है, कहीं तो कहीं राइट हैंड वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला लग जाता है, और कहीं ये स्क्रू रूल लगता है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है कि कौन सा लगाएं। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले हम समझते हैं स्क्रू रूल है क्या भाई साहब। ठीक, अब देखो ये स्क्रू रूल हमें क्या दे रहा है, फोर्स। हाँ कि ना, और फोर्स मिलने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। पहला तो अपने पास एक चार्ज होना चाहिए, प्लस हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक चार्ज होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, समोसा खरीदने के लिए जैसे अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास पैसा होना चाहिए। हाँ कि ना, पैसा होना चाहिए और साथ ही साथ समोसा जो बना रहा है वो होना चाहिए, और जो दुकान होनी चाहिए वो अपने पास होनी चाहिए। हाँ कि ना, कि गए पैसा दिए और अच्छा समोसा होगा तभी खा पाएंगे अच्छे से। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तो 10 रुपये 15 रुपये के समोसे मिल रहे हैं, जब हम लोग के ज़माने में था ना तो 5 रुपये के 6 रुपये के 2.5 रुपये के भी समोसे मिलते थे। ठीक है, बहुत पुरानी बात कह दी मैंने। अब देखिए, अब ये बात मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या होना चाहिए अपने पास। पहला, चार्ज होना चाहिए। दूसरा, किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है ये पता होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए भाई साहब। देखिए क्या कहता हूँ मैं, एक तो पहले मान लेते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ कि ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर। मान रहे हैं ना, बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई अपने पास चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। देखो अगर ये पता है तो पता है सब कुछ, तो क्या हो इंटू टू की स्पीड में कर दो और फिर बड़ा डोडो डोडो सुनाई देगा आपको, और फिर क्या करेंगे आप मेन रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे अगर आपको देखना है। ठीक, तो अब देखो मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है ये चार्ज, भाई साहब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्या कर रहे हैं ये भाई साहब, चार्ज जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रू रूल समझा रहे हैं। अब देखिए चार्ज इस तरफ जा रहा है, हो ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हैं इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यू इस तरफ जा रही है। ठीक, और चार्ज है अपने पास क्यू। हाँ कि ना, ये क्यू चार्ज है। तो तीन चीजें हमें मिल गई, क्या हमारे पास बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, चार्ज जा रहा है। तो बताइए कि फोर्स जो लगेगी इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, और यही फोर्स जो है, यही फोर्स निकालने के लिए हम लोग स्क्रू रूल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये स्क्रू रूल हम लोग इस फोर्स को निकालने के लिए लगाते हैं। अब ये फोर्स कैसे निकलती है, जो इनवर्ड ये फोर्स अंदर होगी या फोर्स बाहर लग रही होगी। जैसे देखो मैं हूँ, अगर फोर्स बाहर लग रही होगी तो मैं इस तरफ आऊँगा आपके पास, हाँ कि ना। अब अगर इनवर्ड लग रही हो तो क्या होगा, मैं अंदर जाऊँगा, हाँ कि ना, अंदर जाऊँगा। इनवर्ड मतलब मैं अंदर जाऊँगा, आउटवर्ड मतलब मैं बाहर आऊँगा।
समझ में आ गई नहीं। अब यही चीज़ यहाँ पे देखे कैसे लेगा, मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, कुछ इस तरीके से बताया था। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये स्क्रू है, तो स्क्रू क्या हो गया ये है। अब V क्रॉस B, बस यही चीज समझना है। अगर आप V क्रॉस B कर रहे हैं, V से B की तरफ जा रहे हैं, V क्रॉस B ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप उल्टा करने लगेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। जैसे अगर देखिए, अगर आप 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो 6 देगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी आपको 6 मिलेगा, बट डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है। अगर मैं ये वेक्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट हो, जैसे A और यहाँ पे B ले लेते हैं, ठीक है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आपको मान लेते हैं कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, C वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड तो आपका सेम रहेगा, जैसे 6-6 यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये जो 6 है 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं कुछ नॉर्थ में अगर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ में कोई सुपरमैन नॉर्थ में जा रहा है, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ सुपरमैन जा रहा है, तो बी क्रॉस सी अगर मैं कर देता हूं, बी क्रॉस ए करता हूं, तो ये जो नॉर्थ में जा रहा है, अब नॉर्थ में जाके साउथ में जाएगा, साउथ में ये जाएगा, मैग्नीट्यूड सही है, 6 किलोमीटर पर आवर से मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है, 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जाएगा, ठीक है, बट साउथ में जाएगा, तो डायरेक्शन वाला यहाँ पे कुछ खेल हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे स्क्रू रूल पे आए, ठीक है, पता नहीं सुपरमैन में चले गए, ठीक, तो इतना याद रखिए कि V क्रॉस B जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, किस तरफ फोर्स जाएगी अंदर, क्यों, देखिए V क्रॉस B करने पे, अब देखिए ऐसे जा रहे ना, ऐसे तो ऐसे ऐसे जब मोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जब मोड़ेंगे स्क्रू को, किसको, स्क्रू को जब मोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा। अब अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा, स्क्रू लेके आया हूँ, ठीक है, आपके लिए, तो ये पहले मैं समझा दें, तो V क्रॉस B करेंगे तो मतलब V से B की तरफ जाएंगे, V क्रॉस B करेंगे तो इनवर्ट जाएगा, और B क्रॉस V करेंगे, अब देखो B से V की तरफ, B से V की तरफ, तो इस तरफ मोड़ेंगे, तो जब हम लोग इस तरफ मोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, स्क्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा, स्क्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, क्या करें, B से V की तरफ, ठीक है, B क्रॉस V पे क्या करेगा, निकलेगा, और V क्रॉस V पे अंदर जाएगा, और यही जो अंदर जा रहा है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, V क्रॉस B गए तो ये यू फोर्स जाएगा, अंदर जा रहा है, देख रहे हैं, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, हाँ कि ना, और B क्रॉस V करेंगे तो ये बाहर जाएगा, तो आउटवर्ड होगा। अब देखिए कैसे, तो ये देखें, मैं स्क्रू लेके आया हूँ आप सबके लिए और अच्छे से समझाने के लिए कि भाई साहब ये V क्रॉस B और B क्रॉस V क्या है। देखिए ये स्क्रू है, आराम से देखिएगा, इसी स्क्रू के साथ साथ मैं ये आपके लिए ये भी लेके आया हूँ, ठीक, आपको अच्छे समझाने के लिए। अब देखिए मैंने क्या किया, V क्रॉस B, तो V से B की तरफ, देखिए ऐसे मोड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो स्क्रू को भी मुझे ऐसे ऐसे मोड़ना रहेगा, ऐसे ऐसे मोड़ना रहेगा, इस तरीके से मोड़ना रहेगा, हाँ कि ना। अब देखिए अपने पास ये है, अब देखिए अच्छे से देखिएगा, हाँ कि ना, बोल्ट भी है और ये स्क्रू भी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, V क्रॉस B, अब देखिएगा आराम से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, V क्रॉस B क्या कर रहे हैं, V क्रॉस B, अब देखिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, V क्रॉस B ऐसे करें हैं, और ये देखिए अंदर चला गया, हाँ कि ना। अब यही चीज़ अगर मैं करता V क्रॉस B की जगह B क्रॉस V, अब देखिए ऐसे ऐसे मोड़ेंगे इस तरफ मोड़ेंगे, अब देखिए क्या करेगा, ये इनवर्ट जा रहा था जब हम लोग V क्रॉस B कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा, तो अब उल्टा क्या करेगा, फोर्स देखिए अंदर जा रही थी, इनवर्ट मतलब अंदर, फोर्स अंदर लग रही है, अब यही B क्रॉस V करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम निकालेंगे B क्रॉस V, अब देखिए उल्टा, अब देखिए निकल रहा है, तो मतलब डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो फोर्स क्या करेगी, इस तरफ आएगी, फोर्स क्या करेगी, आउटवर्ड होगी, हाँ कि ना। तो इतना याद रखिएगा बच्चों, ये देखिए ध्यान से पूरा निकाल देते हैं आपके लिए, ये देखिए पूरा निकल गया, हाँ कि ना। तो ये क्या है, V क्रॉस B करेंगे तो इनवर्ड, और B क्रॉस V मतलब इनवर्ड, और B क्रॉस V करेंगे तो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड फोर्स होगी B क्रॉस V, और B क्रॉस B करेंगे तो इनवर्ड, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यही था बच्चों की डायरेक्शन का खेल था, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि V क्रॉस B और B क्रॉस V का इनवर्ड और आउटवर्ड वाला जो लोचा था, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो अच्छे से आपको अब समझ में आया होगा। तो बच्चों जो मैं आपको बता रहा था कि जो अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ वो क्या है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि आप सबकी मदद के लिए 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक जितनी भी मैथ है, पूरे सरल तरीके से जो मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो पाता है, देखिए पसीना भी हो रहा है, तो
मैं चाहता हूँ कि अच्छे से 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक जितनी भी मैथ है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी मैथ है, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल में और पूरी पूरी फ्री में, कुछ नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं, इसके बारे में सोचता ही नहीं, ठीक है। तो पूरा पूरा फ्री में आप लोग के लिए मैं पूरा का पूरा वीडियो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अच्छे से पूरे तरीके से पूरा निचोड़ निकाल के पूरा आपको पढ़ा डालूँ। तो बस बच्चों, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको आप बता सकते हैं। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं पूरा का पूरा मैं आपको दे दूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि समय उतना होना चाहिए, बट तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी चीज़ें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा दूँ हर एक चीज़। प्रॉमिस नहीं करूँगा बट या मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो यही एक बड़ी बिग अनाउंसमेंट थी कि अगर आपके भाई बहन हैं तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं, और कुछ ही दिनों में मैं ये चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तो आपको अच्छे समझ में आई होगी, हाँ कि ना। और अगर समझ में आई हो तो अपने जो सखी हैं, अपने दोस्त हैं, उन लोग को भी थोड़ा बहुत बता दीजिएगा, शायद उनकी इससे रिलेटेड हो सकता है आपको प्रॉब्लम थी, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम क्या हो, सॉल्व हो जाए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो हो सकता है उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए। तो उनको आप शेयर करना चाहें तो उन्हें शेयर कर दें। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना क्या करिए, ख्याल रखिए, और आपका धन्यवाद।